हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन लाइट में पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जिसमें ब्रूस्टर्स लॉ भी पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पे इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिलती है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में अपने देखा था और ब्रूस्टर्स लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जब इंसिडेंट करती है हमारी सिंपल लाइट, जो कि अनपोलराइज्ड लाइट होती है, वो जब जो रिफ्लेक्टेड जब वहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो उस रिफ्लेक्शन में हमें जो लाइट मिलती है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। और हमने फिर देखा था कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहे, तो एक ऐसा पर्टिकुलर एक ऐसा एंगल आता है जहां पर जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलती है। और हमने वहां पर ये भी देखा था कि जो हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है वहां पर रिफ्लेक्शन के बाद, जो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, तो उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो सारे के सारे वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन की, कि आज किस तरीके से रिफ्रैक्शन से भी हम पोलराइज्ड लाइट को अटेन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि रिफ्लेक्टेड लाइट तो हमें प्लेन पोलराइज मिलती है, लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज्ड नहीं होती, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। हमने वहां पर बात की थी कि अगर इस तरीके से अगर कोई ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करती है, और लेट अस से कि वो लाइट जो है वो आईपी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर इंसिडेंट हो रही है, और इस तरीके से वो अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर वो अनपोलराइज्ड लाइट है, तो हमने ये बात देखी थी कि जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट हमें मिलती है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट में हमें वाइब्रेशन जो है वो दोनों ही तरीके की वाइब्रेशंस मैक्सिममली मिल जाती हैं, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट में हमें वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर मिलती है अगर वो आईपी पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही ट्रांसमिटेड लाइट है। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इस ट्रांसमिटेड लाइट में हमें जो इंटेंसिटी मिलती है वो देखिए 100% यहाँ पर हमें मिल रही है वो वाली वाइब्रेशंस जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है, जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। और यहां पर आपको इंटेंसिटी दिखेगी इन वाइब्रेशंस की वजह से भी जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। सो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर वाइब्रेशंस की, वो आपको ट्रांसमिटेड लाइट में शो होती है। जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट में केवल हमें 15% ऑफ द वाइब्रेशन जो कि परपेंडिकुलर है, ऑफ परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हमें शो होता है। परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हमें 15% शो होती है जो कि रिफ्लेक्टेड में लाइट में दिखती है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट में बाकी 85% जो है वो हमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को वाइब्रेशंस हमें शो होती है। तो 85% ट्रांसमिटेड लाइट में 100% तो परपेंडिकुलर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर वाइब्रेशंस मिल रही है, और 85% वाइब्रेशन जो मिल रही हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, टू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट में हमें बहुत कम परसेंटेज मिल रहा है वाइब्रेशंस का, और इसी कम परसेंटेज की वजह से जो हमें यहाँ पर इंटेंसिटी शो हो रही है वो बहुत वीक इंटेंसिटी शो होती है। और इसी वीक इंटेंसिटी को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें एक नया प्रोसेस करना होगा, एक नया फिनोमिना यूज करना होगा। यानी कि अगर एक रिफ्लेक्शन से सिर्फ 15% परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस अगर हमें मिल सकती हैं, तो अगर यहाँ पर हम एक रिफ्लेक्शन की बजाय मल्टी रिफ्लेक्शंस करवा दें, तो यहाँ पर हमें जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हमें इंटेंसिटी परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी मिलती है, तो वो देखिए कि जो इंटेंसिटी का परसेंटेज है वो 15/185 × 100% इतना परसेंटेज हमें मिलता है इंसिडेंट लाइट का, इतना परसेंटेज जो कि अप्रोक्सीमेटली
8% के इक्वल आता है। तो अप्रोक्सीमेटली 8% जो है वो हमें इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इतने कम इंटेंसिटी को अगर हमें और ज्यादा एनहांस करना है तो यहाँ पर हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसको हम मल्टी रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। कि यहाँ पर मल्टी रिफ्लेक्शन अगर हम करते हैं तो मल्टी रिफ्लेक्शन करके मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन में भी ला सकते हैं और जो ट्रांसमिटेड लाइट है ट्रांसमिटेड लाइट में से इतना ही पोर्शन जितनी बार वो रिफ्लेक्शंस करेगा उतना ही पोर्शन जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस का यहाँ से कट ऑफ होता रहेगा। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हमें जो लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिफ्रैक्शन से भी अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अटेन कर सकते हैं। सो मल्टी रिफ्लेक्शंस करने के लिए पहले जो हम यूज कर रहे थे वो हम यूज कर रहे थे सिंगल एक ग्लास स्लैब। अब हमें यहाँ मल्टी रिफ्लेक्शंस बनाने हैं, मल्टी रिफ्लेक्शंस करवाना है। तो मल्टी रिफ्लेक्शंस अगर हमें कराने हैं तो हमें एक से ज्यादा ग्लास स्लैब्स लेनी पड़ेगी ताकि हर एक ग्लास स्लैब से एक रिफ्लेक्शंस जो हो वो बन मिल जाए। और हर एक रिफ्लेक्शन को जब हम बाद में ओवरऑल करेंगे ओवरऑल देखेंगे तो सारे की सारे रिफ्लेक्शन से मिलने वाली इंटेंसिटी जब एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो हमें वो 8% से ज्यादा इंटेंसिटी का परसेंटेज मिलेगा। सो यहां पर अब क्या किया गया है कि एक ग्लास स्लैब के बजाय यहां पर मल्टी ग्लास स्लैब सिस्टम लिया है और यहां पर एक वुडन बॉक्स लिया गया है और उस वुडन बॉक्स के अंदर एक के ऊपर एक ग्लास स्लैब इस तरीके से रखी गई है ताकि वो हर एक ग्लास स्लैब अलग मीडियम का काम करे। ठीक है, तो ग्लास स्लैब को इस एंगल पर रखा ताकि जब इंसिडेंट लाइट इन ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट करे तो वो जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है उस पर इंसिडेंट करे। सो ग्लास स्लैब जो है वो इस तरीके से प्लेस्ड है कि जो आपको वुडन बॉक्स, ये मैंने कहा कि एक वुडन बॉक्स है और वुडन बॉक्स का जो ये एक्सिस है इस एक्सिस के साथ इन ग्लास स्लैब्स को 32.5 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। 32.5 डिग्री एंगल पर बना रही हैं ये ग्लास स्लैब्स विद द एक्सिस ऑफ वुडन बॉक्स। ठीक है, तो वुडन बॉक्स के अंदर हमने इन ग्लास स्लैब्स को इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा है और अभी मैंने आपको कहा कि इस तरीके से इनको प्लेस करना है कि हर एक अलग अलग टाइप के मीडियम का अलग मीडियम का काम करे। तो अलग मीडियम का काम यानी कि ये एक जो ग्लास स्लैब्स मैंने 10 यहाँ पर जो मल्टी ग्लास स्लैब्स ली है इन ग्लास स्लैब को एक सिंगल ग्लास स्लैब नहीं बनने देना। तो इसीलिए इन ग्लास स्लैब्स को इन ग्लास प्लेट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ पर थिन पेपर का यूज किया गया है जो कि सेंट्रल अपर्चर का हो ताकि ये दोनों जो अगर दो ग्लास स्लैब्स के बीच में जो पेपर रखा गया है वो इसीलिए रखा है ताकि ये दोनों ग्लास स्लैब्स अलग अलग ग्लास स्लैब जैसा बिहेव करे, ये एक सिंगल ग्लास स्लैब ना बने। इसीलिए इन हर एक ग्लास स्लैब के बीच में एक थिन पेपर रखा गया है जिसका सेंट्रल अपर्चर होगा ताकि जो ग्लास स्लैब है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लास स्लैब का काम करे ना कि एक सिंगल ग्लास स्लैब का। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक तो जो ग्लास स्लैब्स है वो 32.5 डिग्री एंगल पर रखा जाए इस वुडन बॉक्स के एक्सिस के साथ और दूसरा ये जो ग्लास स्लैब्स है इन ग्लास स्लैब्स के बीच में एक थिन पेपर रखा जाए जिसका सेंट्रल अपर्चर होगा और जो इन ग्लास स्लैब्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्लास स्लैब्स जैसा वर्क करवाए। ठीक है जी, तो अब हमारा जो अपरेटस है वो लगभग सेट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो लाइट मिलती है वो प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो अनपोलराइज लाइट है अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है और इंसिडेंट जब कराया जाता है तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ कि जब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होगी अगर वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर इंसिडेंट हो रही है तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिलती है वो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही इंसिडेंट लाइट ग्लास स्लैब पर फर्स्ट ग्लास स्लैब पर टकराते ही इसने रिफ्लेक्शन शो किया और रिफ्लेक्शन से जो हमें यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है जो वाइब्रेशन मिल रही है वो
वाइब्रेशन हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जहां जब इस ग्लास स्लैब से जो ट्रांसमिटेड लाइट निकल रही है, ट्रांसमिटेड लाइट में हमारे पास दोनों तरीके की वाइब्रेशन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन भी और पैरेलल टू प्लेन भी। जैसे ही ट्रांसमिटेड लाइट सेकेंड ग्लास स्लैब पर टच करती है, सेकेंड ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है, वहां से फिर से रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन में अब जो रिमेनिंग वाइब्रेशन है जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो निकल जाएंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज, तो उसमें से कुछ परसेंटेज फिर से यहां से निकल गया प्लेन परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस का, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर जब यहाँ से सेकंड ग्लास स्लैब से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसमें अब जो ये वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, जो वाइब्रेशंस का परसेंटेज है वो कम हो गया, और जैसे ही वो थर्ड ग्लास स्लैब पर जाती है फिर से रिफ्लेक्ट होता है, हो जाती है, और रिफ्लेक्शन में हमें फिर से जो वाइब्रेशंस मिलती हैं वो वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। सो यहाँ पर फिर से हमें वाइब्रेशंस मिली जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और फिर वही प्रोसेस आगे चलता रहेगा, और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हुआ तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है, अब ट्रांसमिटेड लाइट में परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम हो गया, कट ऑफ हो गई वो वाइब्रेशंस, और हमें जो मैक्सिमम वाइब्रेशंस मिल रही हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर वाइब्रेशंस मिल रही है। इस तरीके से यहाँ पर जो लास्ट में हमें जो वाइब्रेशंस मिलती हैं रिफ्लेक्शन में वो हमें वाइब्रेशंस मिल रही हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और जब लास्ट में इन सब इंटेंसिटीज का ओवरऑल देखें, रिजल्टेंट देखेंगे, तो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की लाइट शो होती है, और जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। सो यहाँ से हमने देखा कि रिफ्लेक्शन करने, मल्टी रिफ्लेक्शंस करने के बाद जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है वो भी प्लेन पोलराइज्ड होती है, और उसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और उसमें जो वाइब्रेशंस होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होती है, और मल्टी रिफ्लेक्शंस करने के बाद जो हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है तो वो ट्रांसमिटेड लाइट भी प्लेन पोलराइज्ड होती है, जो ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड होती है, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर होती है। सो इस तरीके से जो हमें सिस्टम ये दिख रहा है, यहाँ पर मल्टी रिफ्लेक्शन का काम करवाया गया है, और इसी सिस्टम को पाइल ऑफ प्लेट्स भी कहा जाता है। सो अगर एग्जाम में आपसे पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन पूछा जाए या फिर पोलराइजेशन बाय पाइल ऑफ प्लेट्स पूछा जाए तो वो दोनों ही सेम है, और यहाँ से हमने देखा कि हमें रिफ्लेक्शन से और हमें रिफ्रैक्शन में दोनों में ही जो लाइट मिल रही है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, लेकिन वहां पर जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशंस का नेचर जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। सो यहाँ पर इस सिस्टम को करने के बाद हमने ये देखा, ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली, ऑब्जर्वेशन में हमें ये मिला कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज हो, इसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 10 प्लेट्स का यूज होगा, कि 10 प्लेट्स के साथ मल्टी रिफ्लेक्शन करने के बाद हमें जो ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है वो भी प्लेन पोलराइज होती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट तो हमें प्लेन पोलराइज मिल ही रही है। सो ये भी एक प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन का ही एक एग्जांपल है कि हम पोलराइजेशन को रिफ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि रिफ्रैक्शन ट्रांसमिटेड लाइट जो हमें मिल रही है रिफ्रैक्शन करने के बाद वो भी प्लेन पोलराइज लाइट है, और मल्टी रिफ्लेक्शन से भी हमें प्लेन पोलराइज मिल रही है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन का मैथड जो है वो समझ आया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम यूज करेंगे, जो मैथड हम डिस्कस करेंगे वो डबल रिफ्रैक्शन का मैथड यूज करेंगे, जिससे कि हम पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। सो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।